गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश कुमार, मैकेनिक डीजल के ट्रेड में आपका स्वागत है। आज मैं पिस्टन के बारे में बताऊंगा। पिस्टन क्या होता है, पहले इस पिस्टन को जानिए। क्या है पिस्टन? पिस्टन इंजन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यह स्ट्रोक को पूरा करता है। ये सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है। पहले जानेंगे पिस्टन होता क्या है और क्यों कहाँ पे लगा होता है। तो पिस्टन कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं और ये सिलेंडर हेड या ब्लॉक में लगाए जाते हैं। सिर्फ पिस्टन जो है सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे चलता है। जैसा कि जानते हैं पिस्टन जो है, पिस्टन ये आपका सिलेंडर के अंदर ऊपर नीचे मूव करता है। इनके ऊपर नीचे चलने से इंजन में सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पूरे होते हैं। इंजन में जब शक्ति उत्पन्न होती है तो यह सबसे प्रथम पिस्टन को ही तेज झटके लगते हैं। तो तेज झटका लगता है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए पिस्टन को बहुत मजबूत बनाना पड़ता है। इसीलिए इसे पिस्टन को जब भी बनाया जाता है इसमें जो है निम्नलिखित गुण होना चाहिए। क्या क्या गुण होता है ये भी देखेंगे। पिस्टन में सबसे पहले पिस्टन मुलायम होना चाहिए। पिस्टन को चिकना किया जाना चाहिए ताकि वो इजीली मूव कर सके। पिस्टन चलते समय आवाज़ ना करें और जो है पिस्टन गर्मी पाकर, हीट को पाकर वो अधिक आयतन का ना हो जाए। कहने का ये अर्थ है कि अधिक हीट होने से इंजन में इसमें ये पिस्टन अपने आकार में बढ़ा नहीं जाए और बढ़ोतरी ना हो। पिस्टन इसके साथ ही साथ पिस्टन मजबूत और वजन में भार में हल्का होना चाहिए। इसकी स्कर्ट ऐसी होनी चाहिए जो कि घिसावट कम से कम हो और इसमें जंग नहीं लगना चाहिए। ये पिस्टन का किस पार्ट से, किस मटेरियल से बना होता है पिस्टन, ये भी जानेंगे। पिस्टन का मटेरियल अधिकतर जो है पिस्टन एल्युमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं, परंतु कुछ इंजनों में कास्ट आयरन या सेमी स्टील के प्रयोग किए जाते हैं। कास्ट आयरन के पिस्टन का विस्तार कम होता है, इस कारण इनके लिए कम क्लियरेंस रखा जाता है। पिस्टन का गलनांक बिंदु कम होता है तथा धातु हल्की होती है, इस कारण इसमें विस्तार अधिक होता है, इसलिए इसमें क्लियरेंस अधिक रखा जाता है। एल्युमिनियम एलॉय का पिस्टन जो है उसमें उसका जो है धातु का कि कौन सा धातु कितना परसेंट में बनाया जाता है इसको देखेंगे। पिस्टन जो है एल्युमिनियम एलॉय के पिस्टन में एल्युमिनियम का 91%, एल्युमिनियम टीन जो है टीन 2%, और कॉपर जो है वो 7%, ये मिला के बनाया जाता है। ये एल्युमिनियम एलॉय का मटेरियल है। इस धातु पिस्टन के एल्युमिनियम एलॉय के धातु पिस्टन बनाया जाता है तो इसमें तीन चीज़ मिक्स किया जाता है, एल्युमिनियम, टीन और कॉपर। इसमें जब पिस्टन को देखेंगे तो इसकी संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। ये जो संरचनाएं हैं इस संरचनाएं को देखेंगे अभी। इस पर देखिएगा, इसमें पिस्टन रिंग होता है, पिस्टन रिंग लगाया जाता है, इसको कंप्रेशन रिंग बोलते हैं। फिर ये वाला इसका इसमें ऑयल रिंग रहता है। ये पिस्टन जो है कनेक्टिंग रॉड में फिट होता है, ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड के दो सिरे होते हैं, एक स्मॉल एंड सिरा, एक दूसरा बिग एंड सिरा। बिग एंड सिरे में कनेक्ट पिस्टन को बांध करके क्रैंकशाफ्ट में जोड़ देते हैं। फिर कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड सिरा वो पिस्टन को गजन पिन के माध्यम से पिस्टन में कस दिया जाता है ताकि पिस्टन जब चले, इंजन जब चले पिस्टन, तो स्ट्रोक जब पूरा करे तो वो पिस्टन आसानी से स्ट्रोक पूरा कर सके। पिस्टन का ये कार्य होता है इंजन में कि ये सक्शन स्ट्रोक, पावर कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक
पूरा करता है, जिससे कि इंजन का साइकिल कंप्लीट होता है। पिस्टन में जो कनेक्टिंग रॉड फिट होते हैं उसमें स्मॉल एंड सिरा होता है। उस स्मॉल एंड सिरे को पिस्टन बॉस में रिस्ट पिन या गजन पिन के द्वारा पिस्टन में कसा जाता है। पिस्टन के बारे में ये आज की जानकारी आज हम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे हम लोग। धन्यवाद।